इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। एक मीडियन है, मीडियन ए डी, डी मिड पॉइंट है साइड बी सी का, ई कोई एक पॉइंट है मीडियन ए डी पर, और हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ये वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई इस एरिया से। हम जानते हैं कि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स मतलब दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। ये मीडियन ए डी ट्रायंगल ए बी सी को जिन दो इक्वल पार्ट्स, जिन दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है वो है ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी। तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, क्योंकि मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मैं बोल सकता हूं कि अब ट्रायंगल ई बी सी में एक ट्रायंगल और है, ट्रायंगल ई बी सी में हम देखते हैं कि ई डी ये भी एक मीडियन है, मीडियन ट्रायंगल ई बी सी में। तो जो ये वाली मीडियन है इस ट्रायंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और यहां पे दो इक्वल पार्ट्स होंगे ट्रायंगल ई बी डी और ट्रायंगल ई सी डी। तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल से इस छोटे ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा ट्रायंगल ए बी ई। ठीक इसी तरह से इस बड़े ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये ऊपर वाला एरिया मिलेगा। हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी का एरिया ट्रायंगल ए सी डी के एरिया का इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। हम ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ये दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देख सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी। आप ध्यान से देखिए, दिस माइनस दैट, ये मिला आपको। राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये पूरा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, ये छोटा वाला। रिजल्ट मुझे मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी।